जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता है ईएलएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, आज हो गई है 9 नवंबर शनिवार। जी हां दोस्तों, आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन बनने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आइए बात करते हैं क्या है वह बड़ी अपडेट। जी हां, अयोध्या मामले पर आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, जानिए हर अपडेट। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट शनिवार को ऐतिहासिक फैसला देने जा रहे हैं। 5 जजों की पीठ शनिवार सुबह 10:30 बजे अपना निर्णय सुनाएगी। पहले अटकले थी ये फैसला 12 नवंबर के बाद आ सकता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले वे अपना फैसला सुनाएंगे। शनिवार को छुट्टी के दिन के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ बैठेगी और आज शनिवार को यह फैसला सुनाया जाएगा। इसके मद्देनजर पूरे देश में सुरक्षा के चाक चौंद प्रबंध किए गए हैं। धर्म गुरुओं में भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। टीवी चैनलों के मुताबिक पहले से ठीक पहले 5 जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानिए अब तक क्या हुआ है। जो अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा और किसी भी हार जीत नहीं होगी, क्योंकि देशवासियों ने अपील की है कि हम सब प्राथमिकता से रहे कि फैसला भारत की शांति एकता और सद्भावना की महान परंपरा को बल दे। वही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने यह ट्वीट किया है कि अफवाह पर ध्यान न दें और मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि यह अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन की सभी सुरक्षा प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह की हर व्यक्ति उनकी कानून के लिए मदद करे। खिलवाड़ करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे कानून से और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी जो कानून तोड़ेगा। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वही दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पी विजय ने कहा कि हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि फैसला चाहे जो भी हो लेकिन हमारी प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर देश में शांति बनाए रखने को कहा जा रहा है और उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस में हाई अलर्ट रहने पर निर्देश दिए गए हैं। इधर उधर मुंबई पुलिस ने भी बयान दिया जारी किया है कि स्थिति पर नजर रखते हुए हैं। शनिवार की हमारी तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी है। वही अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के मद्देनजर मध्य प्रदेश के सारे स्कूल कॉलेज में शराब की दुकानें शनिवार को बंद कराई जाएगी, यानी कि आज सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी। सभी जिलों में धारा 144 लागू हो चुकी है। वही जम्मू कश्मीर में धारा 144 सभी स्कूलों कॉलेजों अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं बेंगलुरु में भी आज के फैसलों को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने कहा कि हमने जरूरी तैयारी कर ली है, यहाँ सुबह 7 बजे से 12 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं सोशल मीडिया की सख्ती से निगरानी की जाएगी, शराब की दुकानें बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है यह जरूरी अपडेट आप सभी को जानने को मिल गई होगी। वहीं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों आपने अभी तक ईएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के लाल बटन दिया सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन दिया उसको दो दिए। ठीक है, गुड बाय, जय जवाहर, तो वंदे मातरम।